हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त, और आज की इस अमेजिंग वीडियो में, जो कि VBA की थर्ड वीडियो होगी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी एक्सेल की VBA फाइल को सेव कर सकते हो। नॉर्मली जैसे आप अपनी VBA की फाइल को सेव करते हो, अगर आप वैसे सेव करोगे तो आपकी फाइल तो सेव हो जाएगी, बट जो आपने कोडिंग यूज़ की होगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। ऑलराइट, सो अगर आप अपनी VBA की फाइल को सेव करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपल फाइल के ऊपर क्लिक करो, यहाँ से जहाँ पर भी सेव एज के ऊपर क्लिक करो, और जहाँ भी आप इसको सेव करना चाहते हो वो लोकेशन सेलेक्ट करो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ सेव करना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो भी आप फाइल का नाम देना चाह रहे हैं वो फाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया पार्ट 3, क्योंकि ये तीसरी वीडियो होगी। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टाइप है वो ये है कि यहाँ से आपको सेव एज टाइप के अंदर से ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, विच इज़ एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक .xlsm। अगर आप इसको सेलेक्ट करके सेव करेंगे तो ही आपकी जो VBA की फाइल होगी वो सेव होगी, अदरवाइज आपकी फाइल तो सेव होगी लेकिन जो आपने VBA की कोडिंग यूज़ की हुई होगी वो सारी की सारी आपकी डिलीट या फिर डैमेज या फिर लॉस्ट हो जाएगी। ऑलराइट, सो चलते हैं, एक बार इसको बंद करते हैं और उसके बाद अपनी VBA की फाइल को जो है ओपन करके देखते हैं कि क्या ये फाइल ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। ऑलराइट, सो इसके लिए क्या करते हैं, देख रहे हैं ये फोल्डर है जहाँ पर मैंने जो है अपनी फाइल को रखा हुआ है। उसके बाद ये VBA का पेज है, फोल्डर है, यहाँ पर ये वाली फाइल थी पार्ट 3 नाम से जिसको मैंने सेव किया था अभी। सो मैं इसको ओपन करता हूँ एक बार और चेक करता हूँ कि क्या मेरा VBA सेव हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ से आप इनेबल कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सिंपल ऑल्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो VBA का पेज है वो सेव्ड है। राइट, सो इस तरीके से आप अपनी VBA की फाइल को सेव करना सीख सकते हैं। राइट, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे जो है हम अपनी एक्सेल की VBA फाइल को सेव करना सीख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और VBA सीरीज से रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए